दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से GSTR 9 यानी कि हमारी बुक्स की एनुअल रिटर्न किस प्रकार तैयार करते हैं और GSTR 9 एनुअल रिटर्न तैयार करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। तो दोस्तों ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को कोई भी स्टेप आप स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है और आप अकाउंट्स को प्रैक्टिकली टेली सॉफ्टवेयर और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ सीखना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की जो भी नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस GSTR 9 के ऑफलाइन टूल को समझते हैं। ये जो GSTR 9 का ऑफलाइन टूल है, ये हमें जो GST की ऑफिशियल वेबसाइट है GST.gov.in पे, वहाँ पर आपको ये GSTR 9 का ऑफलाइन टूल मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख रहे हो इस GSTR 9 के अंदर कुछ एक यहाँ पर नीचे सीटें दी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है 4 नंबर सीट पे जो पॉइंट है आउटवर्ड का, 5 नंबर पॉइंट आउटवर्ड, 6 में ITC अवेल्ड, 7 में ITC रिवर्स का आ जाएगा, 8 में अदर ITC का, 9 में टैक्स पेड का। तो कुछ इस तरीके की अलग अलग टाइप की यहाँ पर सीटें दी हुई है। तो दोस्तों अगर सिंपल तरीके से बात करें भी GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न, हमने साल में जो भी यानी कि 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक जो भी हमने सेल से संबंधित जो ट्रांजैक्शन करी है जिस पे कोई GST का ट्रीटमेंट हुआ हो, या फिर हमने कोई भी ऐसा माल परचेज किया हो जिस पे हमने टैक्स पे किया हो, तो उसकी सारी समरी हमें इस GSTR 9 के ऑप्शन में हमें देनी होती है, यानी कि एनुअल रिटर्न में देनी होती है। तो दोस्तों अगर हम सिंपल बात करें यानी कि हमने टोटल कितना ट्रांजैक्शन सेल के रूप में किया है, कितना परचेज किया है, कितना हमें कैपिटल गुड्स परचेज किया है, कितने हमने सर्विस हमने ली है जिस पे टैक्स हमने पे किया हो, या ऐसे कितने हमने खर्चे किए हैं जिस पे GST हमें ऑलरेडी पे कर दिया हो, तो कुछ इस तरीके के ट्रांजैक्शन हम GSTR 9 को समझेंगे। और आज की इस वीडियो में सीखेंगे भी GSTR 9 को टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से तैयार करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं GSTR 9 के पॉइंट नंबर 4 को। अब पॉइंट नंबर 4 में दो ट्रांजैक्शन आपको इम्पोर्टेंट लगेगी। पहली जो ट्रांजैक्शन है वी सप्लायर्स मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C, यानी कि आपने साल के दौरान ऐसे कितने लोगों को सामान सेल किया है जिनके पास GST नंबर नहीं है, यानी कि आपके वो एज ए नॉर्मल कस्टमर है, तो उनको आपने कितना टैक्सेबल सामान सेल किया है, कितना आपने उनसे CGST के रूप में टैक्स कलेक्ट किया है, कितना SGST किया है, या फिर कितना IGST टैक्स के रूप में कलेक्ट किया है। और जो बी कॉलम है फोर्थ नंबर कॉलम का सप्लायर मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B, यानी कि आपने ऐसे कितने बिजनेसमैन को सेल किया है जिनके पास GST नंबर है, यानी कि वो भी एक तरीके के बिजनेसमैन व्यापारी हैं, वो GST में रजिस्टर्ड हैं, तो उनको आपने कितना टैक्सेबल सामान सेल किया है और CGST SGST और IGST टैक्स के रूप में कितना टैक्स कलेक्ट किया है, और कितना उनको आपने डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट भी इशू किए हुए हैं। तो ये सारी समरी हमें इस फोर नंबर पॉइंट में देनी होती है। उसके बाद में 5 नंबर कॉलम, उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है एग्जम्प्ट सेल का या नील रेटेड का, भी आपने वर्ष के दौरान टैक्स फ्री का जो सामान है वो कितना सेल किया है। तो इस तरीके से ITC वेल्ड, यानी कि आपने जो सामान परचेज किया है, गुड्स आपने बिजनेस के लिए परचेज किया है, उस पर आपने CGST SGST या फिर IGST के रूप में कितना टैक्स पे किया है, कितना आपने कैपिटल गुड्स परचेज किया तो उस पर कितना टैक्स पे किया, या फिर कितनी आपने सर्विस ऐसी ली जिस पे आपने टैक्स पे किया। तो कुछ इस तरीके की डिटेल हमें GSTR 9 के इस टूल में देनी होती है एनुअल रिटर्न में। तो हम इसे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में से सीखेंगे GSTR 9 को किस तरीके से तैयार करते हैं। तो दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एनुअल रिटर्न तक पहुंचने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो इस बुक्स में ट्रांजैक्शन जो कर रखी है सबसे पहले उनको देखेंगे, उसके बाद में हम स्टेप टू स्टेप GST के एनुअल रिपोर्ट तक पहुंचेंगे। तो पूरे वर्ष की जो हमने पूरे साल के दौरान जो ट्रांजैक्शन करी है उसको देखने के लिए गेटवे टेली पर आएंगे, उसके बाद में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर और डे बुक पर, और मैं
पूरे साल का डाटा देखने के लिए F2 प्रेस करूंगा और स्पेस बार से जो डेट है उसे मैं हटा दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो साल के दौरान जो भी हमारी ट्रांजेक्शन रहेगी वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपको शो करने शुरू कर देगा। तो दोस्तों हालांकि मैंने कुछ एक ट्रांजेक्शन करी है सिर्फ एज ए इसको प्रैक्टिकली व्यू से समझने के लिए, तो इसमें आपको सारा डाटा समझ में आ जाएगा। तो आप देख रहे हो इसके अंदर हमने काउंटर वाउचर भी इंट्री करी है, रिसिप्ट वाउचर भी है, परचेज भी है, सेल भी है और क्रेडिट नोट भी है। तो इन सब वाउचर का GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको समझेंगे। तो दोस्तों जब भी हम किसी भी चीज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो जब हम GSTR 9 तैयार कर रहे होते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना है भी। हमने जो GSTR 1 हमारी बुक से जनरेट होती है, GSTR 2 होती है या फिर GSTR 3 भी जो जनरेट होती है उसमें किसी प्रकार की कोई एरर तो नहीं आ रही है, तो सबसे पहले हम उन एरर को चेक करेंगे। तो GST रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए गेटवे ऑफ टेली पर आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आएंगे और GST रिपोर्ट्स पर, और सबसे पहले हम GSTR 1 को देखेंगे। आप देख रहे हो हमारे तीन हमें GST की रिपोर्टें यहाँ पर शो कर रहे हैं, GSTR 1, 2 और 3 भी। सबसे पहले हम GSTR 1 को देखेंगे और F2 करके फ्रॉम 2 से लेके स्पेस बार से एंड तक डाटा हटा देंगे तो पूरे साल का डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो बात देखने वाली यही है भी हमारे इस बुक्स में किसी भी प्रकार की कोई अनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये जो ऑप्शन है आपका ये जीरो ही रहना चाहिए। तो ये हमारे पास जीरो आ रहा है और उसके बाद में आपके पास ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इन HSN एसएससी समरी, यानी कि ये समरी भी आपकी जीरो ही रहनी चाहिए। जो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है ये जीरो ही रहना चाहिए और GSTR 2 में भी ये जीरो रहना चाहिए। तो आप देख रहे हो हमारी बुक्स में अभी ये सब कुछ है जो जीरो ही आ रहा है जो भी हमने ट्रांजेक्शन करी है। तो ये ट्रांजेक्शन आपका आने का रीजन कोई भी हो सकता है, हो सकता है आपने कोई HSN कोड सही नहीं लिखा हो, अदा अधूरा लिखा हो, या फिर आपने पार्टी के GST नंबर जो सही नहीं दिए हो या फिर दिए ही नहीं हो, या कोई एक बार ऐसे ट्रांजेक्शन हो जाती है आपने पार्टी का लेजर क्रिएट कर लिया उसको रेगुलर रख लिया लेकिन उसके अंदर GST नंबर नहीं लिखा हो, या फिर ऐसा कुछ एक्सपेंसेस खर्चे आपने कर दिया हो जिसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपने GST का वो एप्लीकेबल कर दिया हो लेकिन बाद में उस पर किसी भी प्रकार का कोई GST से संबंधित कोई ट्रीटमेंट नहीं किया हो तो भी आपको एरर शो करेगा, यानी कि एरर आने का कारण कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा GSTR 2 में भी जीरो है और 3 भी हम देखेंगे पूरे साल की ईयरली को। तो साल के दौरान हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर भी जो एरर है वो जीरो है। तो इस तरीके से हमारी यानी कि टोटल ट्रांजेक्शन GSTR 1, 2 और 3 भी में जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब अब हमारा जो GSTR एनुअल जो रिकॉर्ड बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा। तो दोस्तों एनुअल रिकॉर्ड पे देखने के लिए GSTR 9 को तैयार करने के लिए हम GST रिपोर्ट में GST एनुअल कॉम्पिटिशन पर हम क्लिक करेंगे, इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद हम इसका ईयरली पीरियड चेंज करेंगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, और इसमें भी जो ट्रांजेक्शन है इनकम्प्लीट वो भी जीरो ही रहनी चाहिए। तो अब यहाँ पर भी जीरो है और उसके बाद में जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इन HS ऐसे समरी आ रही है वो ये भी जीरो ही रहनी चाहिए, तो यहाँ पर भी जीरो है। तो दोस्तों अब पूरी रिपोर्ट को देखने के लिए मैं Alt F1 के साथ डिटेल प्रेस करूँगा तो ये सारा डाटा है जो डिटेल में ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो इसमें जो पॉइंट की हम बात करें तो पहला जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है लाइबिलिटी का, इसमें आउटवार्ड एंड इनवार्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल इंक्लूडिंग एडवांस। तो आप पहला जो कॉलम देख रहे हो इसके अंदर जो पहली लाइन है B2C सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन आपने साल के दौरान अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितना सामान है जो सेल किया है, तो अनरजिस्टर्ड को जो हमने सामान जो सेल किया है वो किया है 12,711 रुपये और 87 पैसे का। ये जो टोटल हमारी टैक्सेबल वैल्यू है 79,935.95 की, और ये 12,711 रुपये 87 जो पैसा आ रहा है ये B2C की ट्रांजेक्शन है। इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो ये हमारे पास एक कस्टमर है शुभम, ये अनरजिस्टर्ड है, हमने इसका जो रजिस्टर्ड स्टैप है वो अनरजिस्टर्ड रखा हुआ है इसलिए इसको ये B2C समझता है। ये हमने सेल किया हुआ है और उसके बाद में B2C को ये के क्रेडिट नोट इशू भी किया हुआ, यानी कि ये हमारी सेल रिटर्न आई है इस शुभम से। तो अब ये जो B2C की जो नेट सेल है वो टोटल सेल में से जो सेल रिटर्न है वो लेस करने के बाद में ये 12,711 रुपये अमाउंट जो शो करता है, और उसके बाद में जो B2B यानी कि हमने B2B की जो ट्रांजेक्शन हमने करी है वो करी है
71,291 रुपये और 88 पैसे, जिसमें से कि 4,067 रुपये और 80 पैसे का हमने क्रेडिट नोट भी इस रजिस्टर्ड पार्टी को इश्यू किया हुआ है। तो इसलिए जो आपकी बी टू बी की जो नेट ट्रांजेक्शन जो हो रही जाएगी वो 67,67,224 रुपये और 8 पैसे की नेट ट्रांजेक्शन रह जाएगी। और इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे और इसमें जो ट्रांजेक्शन हमने करी है उस पर हम देखेंगे, तो आप देख रहे हो हमने एक बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को और एक श्याम ट्रेडिंग कंपनी को ये सेल इनवॉइस इशू किए हुए हैं। इस पर एंटर मारेंगे, हमने जो लेजर बनाया था बालाजी ट्रेडिंग कंपनी का, इसमें हमने इसको रजिस्ट्रेशन टाइप है इसका रेगुलर रखा और इसका जीएसटी नंबर भी यहाँ पर दे दिया, तो इसलिए इसको बी टू बी ही समझेगा, यानी कि इनको इनके पास जीएसटी नंबर है। तो ये तो थी हमारी बी टू बी और बी टू सी की ट्रांजेक्शन। और उसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है एग्जम्प्ट सेल का, एग्जम्प्ट सेल हमारे बुक्स में हमने नहीं करी है, तो इसलिए हमारा जो एग्जम्प्ट सेल है वो बिल्कुल जीरो दिखाएगा। आप ये जो कॉलम आप देख रहे हो इसके अंदर एग्जम्प्टेड सप्लाई इंक्लूडेड क्रेडिट नोट डेबिट एग्जम्प्ट सप्लाइड, यानी कि जो टैक्स फ्री की जो सेल है वो हमारी जीरो है, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई ट्रांजेक्शन शो नहीं करेगा। हम थोड़ा और नीचे आकर चलेंगे, अब हमारी बारी आ जाएगी यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट की, यानी कि आईटीसी की। हमें कितना आईटीसी मिला है वर्ष के दौरान, यानी कि कितना क्लेम हमने किया है। अब जो क्लेम करने का जो रीज़न है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मतलब इसमें आपको अलग ऑप्शन के ऑल अदर आईटीसी, यानी कि एक ऐसा आईटीसी इनपुट्स जो हमने ट्रेडिंग गुड्स जो परचेज किया है, जो हमने रीसेल करना हो उस पर जो हमने परचेज किया है उसका इनपुट हमें कितना मिला है। कैपिटल गुड्स यानी कि हमने कोई ऐसी कोई एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट हमने कोई परचेज करी हो उस पर हमने कितना टैक्स पे किया हो, या फिर सर्विस हमने कितनी सर्विस परचेज करी है जिस पे हमने टैक्स पे किया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो टोटल जो हमारा आईटीसी आ रहा है वो 10,260 रुपये और 10 पैसे का आ रहा है, जिसमें से 6,001 रुपये 29 पैसे का जो आईटीसी है वो हमारा परचेज का आ रहा है, 4,225 रुपये और 42 पैसे ये हमारा जो कैपिटल गुड्स हमने परचेज किया है उसका आईटीसी आ रहा है, और ये 33 रुपये और 39 पैसे जो आ रहा है ये सर्विस का इनपुट आ रहा है। तो हम इन सभी को देखेंगे, और ये 120 रुपये हमारा आईजीएसटी टैक्स का इनपुट आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट्स को और उसके बाद इस ट्रांजेक्शन पर इंटरप्रेस करेंगे। तो हमने वही परचेज हमारे पास आ रही है जो हमने गुड्स परचेज किया था, ये परचेज वाउचर में हमने इस विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी से परचेज किया है, और ये भी विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी से परचेज किया है, और ये हमने आउट ऑफ स्टेट से परचेज किया, इसलिए इसकी जो अमाउंट है वो आईजीएसटी में शो करेगा और ये सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट में शो करेगा। तो इस तरीके से ये कैपिटल गुड्स पे हम इंटरप्रेस करेंगे। तो कैपिटल गुड्स में हमने एक एबीसी मोटर से ये मोटरसाइकिल हमने परचेज करी है, इस पर हमें सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स पे किया है, तो इसका क्लेम भी हमने हमारी बुक्स में क्लेम किया है। और उसके बाद में सर्विस का, अब सर्विस का इनवॉइस हम देखेंगे। तो ये जो सर्विस है ये हमने एबीसी मोटर से जो बाइक हमने परचेज करी थी उसकी रिपेयरिंग का जो भी एक्सपेंसेस था, जो इसकी जो सर्विस का जो चार्ज था उसका इनवॉइस भी हमें एबीसी मोटर्स के द्वारा मिला था, और उस पर भी हमने एसजीएसटी और सीजीएसटी टैक्स जो पे किया था उसका भी आईटीसी हमने हमारे बुक्स में लिया है। तो इस तरीके से हमने तीन टाइप के आईटीसी हमारे बुक्स में लिए, इनपुट्स का भी है, कैपिटल गुड्स का भी है और सर्विस का भी है। तो दोस्तों अब हमारी बुक्स में जो टोटल आईटीसी हमारा आ रहा है सीजीएसटी के रूप में 10,260 रुपये का, और एसजीएसटी भी 10,260 रुपये का, और आईजीएसटी 120 रुपये का। तो दोस्तों अब हमें जो हमारे पोर्टल पर जो 2A इंपोर्ट हमें करना है उसमें हमें देखना है भी हमारा 2A में और हमारे बुक्स में क्या कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों हम चलते हैं, जो हमारा पोर्टल पे हमने जो 2A इंपोर्ट किया है हमारा, जो कि परचेज की रिकॉर्ड होता है सारा हमारा, वो हमने इंपोर्ट किया, तो उसका जो इंपोर्ट हमने किया तो ये उसमें वही ट्रांजेक्शन हमारी आ रही है जिन जिन पार्टियों से हमने परचेज किया है उनके इनवॉइस के नंबर वगैरह उनकी डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो अगर हम इनके टैक्स की बात करें तो आप टैक्स देख रहे हो अभी हमारा टोटल 2A के अंदर जो हमारा इनपुट हमें मिल रहा है वो 10,276 रुपये और 30 पैसे का मिल रहा है, जबकि हमारी बुक्स में जो हमने आईटीसी क्लेम किया वो 10,260 रुपये और 10 पैसे का है। तो यानी कि अब पोर्टल पर आपको 16 रुपये और 20 पैसे का आईटीसी एक्सेस शो कर रहा है, यानी कि ऐसा आईटीसी जो पोर्टल पे तो आ रहा है लेकिन हमने बुक्स में उसकी एंट्री नहीं करी है।
तो अब ये जो 16 रुपये और 20 पैसे की जो ट्रांजेक्शन है, वो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी हो सकती है जो आपकी बैंकिंग की हो सकती है, या आपने कई बार ऐसे कोई ऑनलाइन ऐसी शॉपिंग करी हो जिस पे आपने अपने बुक्स फर्म का GST नंबर आपने दे दिया हो, और गुड्स परचेज करते वक्त उस कंपनी ने आपके GST नंबर पे 2A में शो करवाना शुरू कर दिया। तो अब ये जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 16 रुपये का, ये वही आ रहा है इसके बैंकिंग का, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक से हमने जो सर्विस ली थी उसका ITC। अब इन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे 4 रुपये 50 पैसे और 11 रुपये 70 पैसे का, तो इन दोनों का जो टोटल है वो 16 रुपये 20 पैसे ही आएगा, यानी कि ऐसा ITC जो हमने हमारे बुक्स में क्लेम नहीं किया है। तो इसका भी हमें एक अलग से रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा भी, एक्स्ट्रा जो 2A में जो एक्स्ट्रा ITC आ रहा है उसका रीज़न क्या है, तभी हमारी GST की एनुअल रिटर्न 9S है जो सही तरीके से तैयार होएगी। तो यानी कि हमें कंपेयर करना इसलिए ज़रूरी है भी हमारा जो ITC जो बुक्स में आ रहा है वो कहीं हमारे 2A से ज़्यादा ना हो, यानी कि कोई ऐसा इनवॉइस हो जो हमने बुक्स में तो क्लेम कर लिया हो लेकिन उसका नाम है जो GST 2 पे पोर्टल पे शो ही नहीं करा, तो हमें उसका ITC का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें GST 2A को जो रिकॉर्ड हमारा पोर्टल पे ऑनलाइन होता है वो हमारी बुक्स के साथ मिलान करना जरूरी है। तो ये 16 रुपये 20 पैसे का हमारा ITC है जो एक्स्ट्रा आ रहा है, और ये वही एक्स्ट्रा आ रहा है जो हमने बुक्स में क्लेम नहीं किया, तो ये एक तरीके से हमारा इन एलिजिबल ITC हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अब हमारा यानी कि मिलान है जो लगभग हमारे पोर्टल के साथ इसका मिलान हो चुका है, तो आपको भी इसी तरीके से मिलान करना है। और अब हमें इस पोर्ट जो हमारे पास GSTR 9 जो एनुअल रिपोर्ट तैयार हो रही है टेली प्राइम में, इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे सिंपल Alt-E पे हम प्रेस करेंगे, और उसके बाद में इस करंट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आपसे एक्सपोर्ट की सारी ऑप्शन डिटेल मांगेगा भी, आप कौन सी फाइल के फॉर्मेट में सेव करना है, एक्सपोर्ट की आपकी ड्राइव कौन सी है, फाइल का नाम क्या रहेगा, आपका लोकेशन क्या रहेगा। तो मैं इसे सेंड करूँगा, और जैसे सेंड करूँगा तो ये GST एनुअल रिपोर्ट है जो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर भी वही सारी समरी हमें तैयार मिलेगी जो हमें चाहिए, जैसा कि हमारे जो ऑफलाइन टूल आ रहा था उसमें जो 4 नंबर पॉइंट था उसमें यही था भी, B2 सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपन टैक्सेबल सामान है जो कितना सेल किया है, कितना उस पर CGST टैक्स हमने क्लेम किया है, कितना उनसे SGST के रूप में टैक्स लिया है, और इस तरीके से B2B यानी कि ऐसे लोगों को हमने कितना सामान किया जिनके पास GST नंबर है, उनका कितना हमें क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, कितना इनको इशू किया, तो ये सारी समरी है जो हमारी इस एक्सेल में एक्सपोर्ट होकर आ जाएगी। हम थोड़ा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमें सारी ITC की समरी भी बिल्कुल रेडी मिलेगी। तो दोस्तों अब जैसा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के द्वारा GSTR 1 GSTR 1 के ऑफलाइन टूल में एक्सपोर्ट हो जाता है, 2 भी हो जाता है और 3 भी हो जाता है, तो वैसा अभी तक टेली प्राइम के द्वारा इसी वर्जन में यानी कि टेली प्राइम के 1.1 वर्जन तक ऐसा अभी तक उन्होंने टेली सॉफ्टवेयर ने फीचर नहीं दिए जो डायरेक्टली इस टूल के अंदर हमारा जो डाटा है वो एक्सपोर्ट हो जाए। तो अभी तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर की तरफ से कोई प्रोसीजर नहीं है, जबकि अभी अब हमें जो मैनुअल रूप से हमने ये जो तैयार किया रिकॉर्ड, इसको हमें इस टूल पे जाके मैनुअल रूप से इनकी एंट्री जो टाइप हम कर सकते हैं कॉलम वाइज, B2B B2C एग्जाम सेल ITC हमने कितना लिया है, सर्विस का कितना लिया है, इनपुट कितना है, और कैपिटल गुड्स का कितना है, तो ये सारी समरी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑप्शन इस टूल में भी बने होते हैं, क्योंकि ये जो टूल है ये गवर्नमेंट का जो GSTR 9 का फॉर्मेट है उसका ऑफिशियली टूल है। तो दोस्तों हम इसको मैनुअल रूप से इसमें ट्रांसफर डाटा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।